Yes, good morning to all my students. Today I am coming up with interview training tips. काफी students मेरे पास आते हैं कि सर इंटरव्यू को इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछा जाता है अपने बारे में बताइए, दैट इज डिस्क्राइब योर सेल्फ, तो सर कैसे स्टार्ट करें, क्या बोलें? तो आज मैं आप लोगों को एक सिस्टमैटिकली कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट करने जा रहा हूं। देखिएगा, कुछ एक सिस्टम होता है इंटरव्यू में भी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कैसे, देखिएगा क्वेश्चन वन, ये सब इतने कॉमन क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन वन इज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ क्वेश्चन टू इज डिस्क्राइब योर सेल्फ टेल मी समथिंग अबाउट यू सो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं सबका मीनिंग एक ही है कंफ्यूज नहीं होना नर्वस होने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू में अब आप आंसर कैसे देते हैं वो डिपेंड करता है जैसे कई बच्चों से मैंने आंसर सुना माय नेम इज ठीक है अच्छा बोला और सीधा एक कोई क्वालिफिकेशन बता दी आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फिर फादर का नाम ले लिया एक हॉबी बता दी खत्म सामने वाला जो है वो ऑब्वियसली आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है तभी वो इंटरव्यू की सीट में बैठा है ट्रेंड और अनट्रेंड कैंडिडेट्स बहुत आसानी से पकड़ में आ जाते हैं तो वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आई एम गोइंग टू डिस्कस और देखिएगा जरा कैसे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सबसे पहले आप बताएंगे नेम एंड एज और अगर एज में थोड़ा हेजिटेशन है बताने में कई लोगों को होता है तो केवल आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए ईयर मत बताइए समझ गए अब नेम को डिस्कस कर लेते हैं Never start introducing yourself by using this term myself. सबसे पहली मिस्टेक myself ABC. काफी बच्चे बोलते हैं myself ABC. ये गलत है This is wrong. ये telephonic way of interview है अगर आपको कभी कोई telephone करे या telephonic interview लेने की कोशिश करे तो आप बोल सकते हैं myself और आपका नाम ठीक है लेकिन अगर interview अगर physical interview हो रहा है that means one on one interview हो रहा है face to face interview हो रहा है तो आप इसको ना बोल के you will Introduce yourself as I am or my name is. बस आजकल तो इतना ज्यादा फैशनेबल लैंग्वेज चल पड़ी है कि कुछ बच्चे कहते हैं अगर उसने क्वेश्चन पूछा आपसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो कुछ बच्चे कहेंगे दिस इज एबीसी वाह दिस इज एबीसी कितना घमंड झलक रहा है इस सेंटेंस में गलत गलत आप बोलेंगे आई एम और माई नेम इज या माई फुल नेम इज समझ गए आई एम माई नेम इज माई फुल नेम इज दूसरी सबसे बड़ी गलती अपने ही नाम में कुछ लोग बोल देते हैं मिस्टर आई एम मिस्टर तरुण इस तरीके से बोलोगे अपने आप को ही मिस्टर बना दिया आपने गलत है वो आप किसी बहुत एक्सपीरियंस इंसान के सामने बैठे हैं
तो सबसे पहले आपने नेम और एज बोला या नेम और डेट ऑफ बर्थ बोला, इसको एक ही सेंटेंस में बोलने का तरीका है, माय नेम इज तरुण कुमार एंड माय करेक्ट डेट ऑफ बर्थ इज 19 जुलाई, या आप बोल दीजिए माय नेम इज तरुण कुमार एंड 26 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, माई नेम इज तरुण कुमार एंड 26 ईयर्स ऑफ एज, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, माई नेम इज तरुण कुमार एंड आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, सॉरी, ये एक तरीके से पुराने सेंटेंसेस हैं, इंटरव्यू में थोड़ा मॉडिफिकेशन जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या यूज किया, नेम और एज बता के, आपने सबसे पहले अपनी नेम और एज बता दी। आते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अगर गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है तो आप इसको भी जरूर बोल सकते हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, किस शहर में आप पले बड़े, उसी की इंग्लिश है ये, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। तो इसको कैसे सेंटेंस लिखेंगे, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, ये वर्ड देखिए ब्रॉट है, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द सिटी ऑफ, वो जो भी सिटी है आप लिख सकते हैं यहां। तीसरा, मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा हैं कि नहीं, आप स्ट्रेट अवे अपना स्टेटस बता सकते हैं, माय मैरिटल स्टेटस स्टैंड्स टू बी अनमैरिड, मैरिड या जो भी भाई वो आपको बताना है। सो ये तीन पॉइंट्स सबसे पहले आपके इंटरव्यू को स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब एक बहुत ही पर्सनल बात डिस्कस करूंगा ग्रुप से, ट्राई टू अट्रैक्ट द इंटरव्यूअर, मैं ये बताना चाह रहा हूं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं भाई साहब, उनका आप अटेंशन अट्रैक्ट करिए, काफी कैंडिडेट्स हैं तो आप में अलग क्या है, मैं बताता हूं कि मैं किस पॉइंट पे थोड़ा फोकस करता था। जैसे मेरे से अगर किसी ने पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैं बोलता था माई नेम इज तरुण कुमार, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द किंगडम ऑफ बहरेन। अब जैसे मेरी जो शुरुआती पढ़ाई हुई है वो विदेश की एक कंट्री में हुई है, सऊदी अरेबिया में, ऑब्वियसली इंडिया में बहुत बड़ी बात होती है ये, तो मैंने कैसे बोला आई वॉज बॉर्न एंड, ये झूठ नहीं है, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द किंगडम ऑफ बहरेन। अब वो सामने वाला 95% है कि इंटरेस्ट दिखाएगा कि ये क्या जगह है, पता भी होगा तो भी वो पूछेगा कि इंडिया में फिर आप क्या कर रहे हैं, कब आए, कैसे क्या, तो इसका मतलब बॉल इज इन माय कोर्ट, मैंने उनका अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया क्योंकि मुझे ज्यादा पता होगा अपने चाइल्डहुड के बारे में, यंग डेज के बारे में, या मैं जहां जिस कंट्री में था। तो कोशिश करिए कुछ अपना भी बहुत स्ट्रांग पॉइंट ऐसा प्रेजेंट करिए इंटरव्यू में, आपको बेहतर पता होगा, वो चाहे क्यों ना आपका विलेज हो, होम टाउन हो, नेटिव प्लेस हो, कुछ भी, आपको अच्छा कुछ प्रेजेंट करना है अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। आगे चलते हैं, ये तीन पॉइंट्स के बाद अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, ओके, द कैंडिडेट्स हु कैरी अ हेल्दी वर्क एक्सपीरियंस, जिन कैंडिडेट्स के पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, मोर देन अ ईयर, मोर देन टू ईयर्स, वो स्ट्रेट अवे यहां पर अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना शुरू कर देंगे, दे विल हैव टू एक्सप्लेन डिस्क्राइब देयर वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप टेलीकॉम में काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, हेल्थ, फार्मा,
किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस पहले बताइए, दैट फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन वर्किंग, कितने साल से आप वोडाफोन में, भारती एयरटेल में, अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपका जॉब रोल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझाना होगा अपने वर्क एक्सपीरियंस को, समझ रहे हैं। फिफ्थ पे आते हैं, इसी वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है आपका अचीवमेंट्स। इफ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस तो इसका मतलब अचीवमेंट्स होंगे। कौन से अचीवमेंट्स? ये स्कूल या कॉलेज के अचीवमेंट्स नहीं है, ये जॉब के अचीवमेंट्स हैं। सर्टिफिकेट, बोनस, इंसेंटिव, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, यहां पर आपको बताना होगा। ये भी एक अच्छा इंपैक्ट देता है, खासकर टारगेट बेस्ड जॉब्स के लिए। आते हैं सिक्स्थ पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ये रहा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताने का एक तरीका होता है, देयर इज अ सिस्टम। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले, मतलब जो आप लेटेस्ट जो क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हैं वो आप बताएंगे, या अगर आप उस क्वालिफिकेशन को खत्म कर चुके हैं तो वो बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म किया तो आप यही बोलेंगे, माई हाइएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज दैट आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम डॉट 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 यूनिवर्सिटी। फिर उसके पहले का मतलब ग्रेजुएशन, फिर ग्रेड 12 एंड 10, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी किस स्कूल से किया है, बस। सब्जेक्ट्स बताना मत भूलिएगा, यू विल हैव टू मेंशन योर स्ट्रीम, अपने स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट जरूर बताइएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, यू माइट बी थिंकिंग, आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम लोग तो सीधा फैमिली पे आ जाते, तो फैमिली गई कहां? आपकी फैमिली में जब तक वो नहीं पूछें, तो मेरा सजेशन आपको ये है कि फैमिली को आखिरी में रखिए, फैमिली बैकग्राउंड, कीप इट एट द लास्ट। आप सबसे पहले अपना नेम, एज, कहां पे आप बड़े हुए, किस सिटी में अभी आप हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, फिर जाके फैमिली में आइए, क्योंकि फैमिली को नहीं आपको काम करना है। आई विल कीप पोस्टिंग अदर वीडियोज ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरव्यू सेशंस। मैं आप लोगों को एक कंप्लीट इंटरव्यू अपना खुद ही देके एक वीडियो पोस्ट करूंगा। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल इन द नेम ऑफ इंग्लिश बाय तरुण सर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।